बने विधायक और सांसद हमारे सैनिक। दोस्तों, रिटायर्ड सूबेदार मेजर हरिराम यादव साहब जो हमेशा इस प्रकार की कविताएं लिखते रहते हैं, उनको कविताएं लिखने का शौक़ है। उन्होंने इस बार एक कविता लिखी है कि हमारे सैनिकों को भी विधायक और सांसद बनना चाहिए। बहुत ही प्यारी कविता है। हम 5 मिनट इस कविता को सुनेंगे और उसके बाद समझेंगे कि इस कविता में कितनी गहराई है। देखिए, मन में गंगा हाथ में तिरंगा, मन में गंगा हाथ में तिरंगा, जय भारत का मन में नारा हो, उठो निवृत्त जवानों सेना के, जिससे अगला दशक तुम्हारा हो। तुमने जीता अजय हिमालय, तुमने जीता अजय हिमालय, कच्छ के रण को तुमने मात दिया, विजय पताका तुमने फहराई, तुमने देश को अपनी सांस दिया। मान मिला ने तुमको अब तक, मान मिला ने तुमको अब तक, जिसके तुम सच्चे अधिकारी हो संगठित एक बैनर के नीचे, जिससे सत्ता में भागीदारी हो। बात तुम्हारी कहने वाला, बात तुम्हारी कहने वाला, कोई तो पंचायत में तुम्हारा हो, जो समझे सीमा की मुश्किल, जिसने सीमा पर समय गुजारा हो। वे बात तुम्हारी क्या करेंगे, वे बात तुम्हारी क्या करेंगे, जिसने ना देखे हो शरद के बंकर, वे वोट बैंक तुमको समझेंगे, समझेंगे तुमको बस कांटा कंकड़। तुम निश्चल मन दूर फ्रेब से, तुम निश्चल मन दूर फ्रेब से, सही राह के सच्चे राही हो, सेना के अनुशासन में पले बड़े, समभाव में चलने के वाही हो। बात तुम्हारी पहुँचे संसद तक, बात तुम्हारी पहुँचे संसद तक, इसलिए अब तुम ये यतन करो, बने विधायक सांसद सैनिक, बस इसी बात का प्रयत्न करो। मत घूमो दल के पीछे तुम, मत घूमो दल के पीछे तुम, अपनी ताकत को पहचानो, तुम हनुमान हो रामचंद्र के, एक बार में सागर पार जानो। आन बान और शान थे तुम, आन बान और शान थे तुम, अब भी शान तुम्हारी बनी रहे, चौड़ी छाती पर मेडल तुम्हारे, लंबी मूछें मुंह तक तनी रहे, लंबी मूछें मुंह तक तनी रहे। अगर मगर के चक्कर में, अगर मगर के चक्कर में, हरी अभी नहीं यदि चेते तुम, बची खुशी मान प्रतिष्ठा, पिछलग्गू बनने पर हो जाएगी गुम, पिछलग्गू बनने पर हो जाएगी गुम। दोस्तों, ये सूबेदार मेजर हरिराम यादव साहब ने कविता आप सबके लिए भेजी है। इनका कहना है कि तुम अपने आप स्वावलंबी बनो, एक बैनर तले आओ, संगठित हो जाओ और आवाज़ उठाओ और संसद तक पहुंचो, विधायक बनो, सांसद बनो। सैनिकों में इतनी आमदा है कि वो यदि एक बैनर तले नीचे आ जाए, संगठित हो जाए, चुनाव में उतरे, देश भर में ईमानदारी का परचम लहराए, तो वो दिन दूर नहीं जब संसद में सैनिकों और पूर्व सैनिकों की आवाज़ भी गूंजने लगेगी। दोस्तों, हरिराम यादव साहब को सैल्यूट करते हुए उनके द्वारा लिखी गई इस कविता को मैं आप सबके लिए पेश कर रहा हूँ। आप इसको सुने और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसमें सैनिकों की एकता का संदेश है। जय हिंद।